नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर अब सरकार प्रदान करने जा रही है। बिहार सरकार की ओर से आज दो योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। इसके साथ ही साथ उद्योग विभाग की ओर से जो पोर्टल बनाया गया है उसका भी शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज तमाम अधिकारियों के मौजूदगी में इसका शुभारंभ किया। तस्वीरें देखें किस तरीके से, तस्वीरें जो छन की आ रही हैं। बिहार में औद्योगिक विकास के लिए सरकार ने दो महत्वपूर्ण योजनाओं की आज से शुरुआत की है। सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्योग विभाग के दो योजनाओं का उद्घाटन किया है। साथ ही साथ जो पोर्टल बनाया गया है udyami.bih.gov.in का, उसका भी लॉन्चिंग आज किया गया है। आपको हम जिस तरीके से खबरें छन की आ रही हैं, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का शुभारंभ किया गया है। इस शुभारंभ के साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं फैसला हुआ है कि बिहार की युवा और महिला उद्यमियों को 10 लाख रुपये सरकार देगी, किश्तों में भी कुछ रुपए सरकार देगी, जिससे बिहार में औद्योगिक विकास के लिए आने वाले दिनों में सुनहरा अवसर युवाओं को मिल सकेगा। और इसकी शुरुआत आज से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। उद्योग विभाग के मंत्री शहनवाज हुसैन भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस उद्घाटन समारोह में जुड़े हुए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। हम लोगों की सरकार पुनः बनी तो हम लोगों ने आपस में बैठ करके आगे हम लोगों को क्या काम करना है, जो पहले काम किए जा रहे हैं उसको, उसमें जो कुछ भी काम बचा हुआ उसको तो जारी रखना ही है। जो भी काम किया जा रहा है उसका अगर मेंटेनेंस की ज़रूरत है वो सब करेंगे, लेकिन इसके आगे जो कुछ भी करना है युवाओं के प्रशिक्षण के लिए और सभी चीज़ों के लिए, अनेक चीज़ों के बारे में निर्णय लिया तो बारी बारी से एक एक चीज़ के बारे में औपचारिक रूप से भी इसमें काम प्रारंभ करने के लिए निर्णय लिया गया। और इस बार के बजट में जो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, बजट में भी प्रावधान सभी तरह की योजनाओं के लिए किया गया और पहले से जो काम हो रहा उस काम को पूरा करने के लिए और उसको और आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ तय किया गया। और इसी सिलसिले में जो नई चीज़ों के बारे में सोचा गया, विचार किया गया, उसी में एक यह भी था कि भाई जैसे हम लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लिए उद्यमी योजना चला रहे, तो इसी तरह से बाकी, अब चूँकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लिए योजना है तो उसमें चाहे युवक हो या युवती हो दोनों के लिए लागू है, लेकिन बाकी जो बची हुई महिलाएं हैं उनके लिए योजना को लागू किया जाए उसी शर्त पर जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लिए किया गया है कि साहब इनको 10 लाख रुपये तक की सहायता होगी, जिसमें 5 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा और 5 लाख रुपया ऋण दिया जाएगा, लेकिन उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाए। तो उसी तरह से महिलाओं के लिए जो योजना शुरू की गई फिर से, तो उसके लिए उद्योग के लिए तो उनको यही कर दिया गया। और बाकी जो जो लोग जो बचे हैं इसमें, तो जो युवक हैं उनके लिए भी योजना शुरू कर दी गई, जिसका आज आप शुरू कर रहे हैं युवा उद्यमी योजना का। तो युवा उद्यमी योजना में भी 5 लाख रुपये का अनुदान का ही व्यवस्था है और 5 लाख रुपया ऋण जो दिया जाएगा तो उसमें एक नाम मात्र का 1% टैक्स का प्रावधान किया गया और बहुत लंबे समय तक टैक्स का किया गया है। और ठीक ही आप लोगों ने कहा कि पहले जो था 3 टर्म में मदद किया जाता था, उसको घटा करके 2 टर्म में कर दिया गया। ये सब कुछ किया गया ताकि लोग अपना उद्योग प्रारंभ कर सकें, तो ये बहुत अच्छी बात है और मुझको पूरा भरोसा है कि इसमें लोग शामिल होंगे और उद्योग करेंगे। और जिस तरह से अब काम शुरू हुआ उसमें हम लोगों ने प्रारंभ से ही उद्योग को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उद्योग उतना पहले नहीं बढ़ा था, लेकिन अब जो सब कुछ हुआ जा रहा है, हो रहा है, इसमें अब उद्योग भी बहुत बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। तो जिस तरह की बात और जिसका जिक्र हमारे भी माननीय शाहनवाज हुसैन साहब ने किया और एक एक तरह से बात हो रही है, तो सब बहुत अच्छा है और इसके लिए हम सब लोगों को मिल करके काम करना है। तो आपने तस्वीर देखी है, दो महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। इसके साथ ही उद्योग विभाग की ओर से जो पोर्टल जारी किया गया है उसका भी लॉन्चिंग हुआ है आज। और ऐसे में अब कहीं ना कहीं बिहार की युवाओं के बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे थे, महिलाओं के बारे में भी कह रहे थे कि अब उद्योग धंधे लगाने में, जो छोटे छोटे उद्योग धंधे होते हैं जिसके लिए सरकार पैसा देगी और कोई उस पर ब्याज नहीं लिया जाएगा, किश्तों में भी रुपया दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं इससे बिहार में औद्योगिक विकास को एक नई राह मिलेगी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो वादा किया था चुनाव से पहले, एनडीए की सरकार ने से पहले सरकार ने वादा किया था रोजगार को लेकर, उसके लिए भी एक महत्वपूर्ण
योजना लाई सरकार ने और उसका आज उद्घाटन किया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। इससे आने वाले समय में उम्मीद है बिहार में औद्योगिक विकास की चल रहे विकास कार्यों को और रफ्तार मिलेगी। बहरहाल आप लाइव स्ट्रीम पर बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।